जी आपकी वापसी हुई है, क्या हालात थे वहाँ यूक्रेन के? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम गरिमा पांडे है, मैं सहापुर जौनपुर से हूँ और मैं यूक्रेन की फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ, डेनिप्रोपेट्रोव्स्क स्टेट मेडिकल एकेडमी में पढ़ती हूँ। वहाँ की अभी मुझे मैं यहाँ पे कल आई हूँ शाम कल रात को 10 बजे और वहाँ 24 तारीख को फर्स्ट अटैक हुआ था। 24 तारीख से लेके लगभग 8-9 दिन के बाद फिर हमें बसेस मिली है और हालत अगर यूक्रेन की बात करें तो बहुत ख़राब है, वहाँ रहने की हालत नहीं है। जैसा कि मतलब लगातार एडवाइज जारी हो रही थी कि हालत बहुत खतरे में है, तो भारत सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधा मुहैया कराएगी यूक्रेन में? यूक्रेन में भारत सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड करी गई थी यूक्रेन के, मतलब जब हम बॉर्डर पे आ गए थे जब से फिर भारत सरकार की हेल्प मिली है उसके अंदर यूक्रेन के अंदर बस एडवाइजरी थी कि आप बॉर्डर पे आओगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे, अंदर नहीं वो कुछ कर सकते हैं। अभी वहाँ रोमानिया में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए थे और तमाम करीब 4 मंत्री गए थे तमाम हंगरी में और रोमानिया सहित, और तो उसमें उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया था? उन्होंने ये था जैसे हम शेल्टर में पहुंचे तो एम्बेसी के कॉल आए थे कि आप परेशान ना हो, अब यहाँ और सारे बच्चे हैं, पहले उनको निकालेंगे फिर आपको निकालेंगे, आपसे पहले भी आए हुए काफ़ी बच्चे हैं, हज़ारों की तादाद में थे और एक फ्लैट की कैपेसिटी 200 कुछ ऐसा होता है। तो फिर ये था कि आप थोड़ा वेट करो, पेशेंसली रहो, आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा, खाने रहने का पहनने ओढ़ने का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस आराम से रहो। फिर हम ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा, 2 दिन बाद ही हमें फिर एयरपोर्ट लाया गया था, फिर हम वहाँ से चले आए थे। भविष्य को लेकर क्या चिंता है आपकी, आप 4th ईयर की छात्रा हैं? मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो कुछ ऐसा करे कि ताकि हमारा आगे का जो आने वाला ईयर है वो सेफ रहे, हम वहाँ की टोटल जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो 6 साल की है तो हमारा ऑलरेडी 4 साल चल रहा है, तो आगे जो 2-2.5 साल बचे हुए हैं वो हम चाहते हैं कि सरकार उसके लिए कुछ मदद करे कि आगे की पढ़ाई हम कम्प्लीट कर सकें, यहाँ से या कहीं से भी हमें हमारी डिग्री से मतलब है, चाहे कहीं से भी मिले बस डिग्री कम्प्लीट हो जाए। ओके थैंक यू। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल, हाथी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता, क्या है यूपी की चाहत, देखिए जय भारत।